तो बच्चों आज हम बात करेंगे चैप्टर की लॉगारिथम की। तो देखिए एनडीए वाली पीटी प्रोग्राम बाय डून एनडीए में हम आप जो है आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं और आपका एनडीए का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। तो देखिए उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगारिथम। लॉगारिथम के वैसे तो नॉर्मली एक या दो सवाल ही आते हैं बट इंडिविजुअली में, और पर उसके जो टॉपिक है वो कई चीज़ों में अदर टॉपिक्स में भी रिलेट कर जाता है, तो इस वजह से लॉगारिथम जो होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब देखिए लॉगरिथम के, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लॉग है, बेसिकली नेपियर जो था उसने लॉग की जो है उस जमाने में जब कैलकुलेटर वगैरह नहीं होते थे तो लॉन्ग कैलकुलेशंस के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया था, उसका नाम था लॉग। अभी लॉग क्या है, ध्यान सुनिएगा। अगर आपके पास किसी चीज का बेस ए पे अगर आपके पास क्या ले लिया, लॉग ले लिया, तो एक्स कितना हो जाएगा, ए की पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ लॉग 2x = 10 है तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर 10 हो गया, राइट। ये चीज होती है। तो लॉग जो है बेसिकली आपके पास इस तरीके का पावर का सिस्टम होता है, और आपके पास हम लोग क्या करते हैं, आपका किसी बेस पे जो लॉग है उसे लेते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है। अगर लॉग बेस ए एक्स है तो वो होता है, अगर वाई है तो एक्स जो हो जाएगा वो ए की पावर वाई हो जाएगा। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान सुनिएगा। पहली जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास लॉग ए प्लस लॉग बी है तो वो होता है आपके पास लॉग ए बी, ठीक है। अगर लॉग ए माइनस लॉग बी है तो वो होता है लॉग ए बाय बी, ठीक है। अगर आपके पास लॉग ए की पावर एन है तो वो होता है एन लॉग ए, ठीक है जी। अगर लॉग बेस ए की पावर एन एक्स है, अगर नीचे वाले की बेस की अगर पावर एन है तो वो आगे आ जाती है, मतलब रेसिप्रोकल में 1/n log बेस ए और एक्स, समझ में आया। अगर आपके पास ए की पावर log बेस ए एक्स है, मतलब ये और ये सेम है, तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो खाली एक्स बचता है, ठीक है जी। चलिए अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, log ए की पावर एन और b की पावर n है तो आप इसे क्या ले सकते हैं, n log a प्लस n log b ले सकते हैं, राइट। अच्छा अगर आपके पास log बेस a x है तो हम इसे उल्टा ले सकते हैं, log 1/log बेस x a, ठीक है। log बेस a x है तो उसे हम ले सकते हैं 1/log बेस x a, बात समझ में आ रही है, मतलब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपके पास लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनका हमें यूज करना है, राइट। अच्छा अगर आपके, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास यहाँ पे लॉग ए और एक्स है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ वाई है, तो जो एक्स हो जाएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा ए की पावर वाई। कंडीशन क्या है, जो आपके पास ए है वो बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से, समझ में आया। अगर वो 1 से, जैसे आपके पास लॉग ए एक्स ग्रेटर देन वाई है या कोई भी है, पर अगर वो ए जो है वो 0 1 के बीच में है, ठीक है, तो आपके पास उल्टा हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये ग्रेटर देन तो रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ए की पावर वाई। ये आपके प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। अच्छा अब अगली चीज है, देखिए कई बार कैसे पूछता है, नंबर ऑफ डिजिट पूछ सकता है, नंबर ऑफ डिजिट पूछ सकता है, नंबर ऑफ डिजिट आपसे पूछ लेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स आपसे पूछ लेगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है आपको। जैसे आपके पास 2 की पावर 64 में हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स, तो देखिए इफ लॉग 2 = 0.3010, ठीक है। अगर आप लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 64 log 2 लिख सकते हैं, 64 log 2 का मतलब होता है 64 × 0.3010, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आप देखेंगे ये आपके पास कितना है, 64 × 0.3010 है तो कितना हो गया, 19.19.264 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.264 हो जाएगा। अब ये 19 है उसमें एक जोड़ लीजिए तो आंसर आ जाएगा 20 digits, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन अगला दे दे, 3 की पावर 82, ठीक है, और log 3 जो दे रखा है वो दे रखा है 0.4771,
और आपसे पूछा हुआ कितने डिजिट्स होंगे, तो हम लिख सकते हैं 82 log 3 ले सकते हैं, तो कितना हो गया 82, 82 इंटू लॉग 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771 है, तो ये हो गया 39.1222, इसमें एक जोड़ लीजिए तो आंसर आ जाएगा 40, तो 40 डिजिट्स होंगे। समझ में आया? अब ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन जैसे आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है जैसे, बिल्कुल हमारी वैल्यू करेंगे हम लोग, अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है इफ लॉग एक्स लॉग वाई और लॉग जेड इन एपी, अगर लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड इन एपी है तो आपसे पूछा हुआ कि एक्स वाई जेड किस में होंगे, ऑप्शन ए एपी, ऑप्शन बी जीपी, ऑप्शन सी एचपी और ऑप्शन डी नन। तो देखिए एपी कंडीशन क्या होती है, एपी कंडीशन होती है अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो एपी कंडीशन क्या होती है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होते हैं। तो देखिए टू लॉग वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स जेड, लॉग लॉग हट गया तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड विच इज अ कंडीशन ऑफ जीपी, तो आंसर क्या आ गया जीपी, तो दे आर इन जीपी, राइट। अगला क्वेश्चन दे रखा है जैसे टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग टू, और आपसे पूछा गया कि लॉग एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन ए आ गया वन, ऑप्शन बी आ गया जीरो, ऑप्शन सी आ गया टू और ऑप्शन डी आ गया थ्री, तो आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है आपसे सवाल में पूछा गया है। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी आप इसमें लगाएंगे, आप इसमें लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है लॉग की प्रॉपर्टी आप अगर सवाल में लगाएंगे तो हम इसे ले सकते हैं लॉग, ठीक है लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग टू, लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग टू, राइट। अच्छा जी अब ध्यान सुनिए, लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स, लॉग लॉग दोनों साइड एंटी लॉग कहलाता है, तो एंटी लॉग दोनों साइड लेंगे तो लॉग हट जाएंगे दोनों साइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। सो अब हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम ले सकते हैं एक्स प्लस स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ले सकते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू टू टाइम्स, इसे हम ले सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन एक कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, सो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, सो दैट इज द आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास एनडीए में आया हुआ लॉग बेस 2x कॉमा लॉग बेस 3x कॉमा लॉग बेस x 16 इन जीपी, ये जीपी में है तो बोल रहा है एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2, तो देखिए क्या होगा बी स्क्वायर होगा, लॉग बेस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहला इंटू तीसरा, लॉग बेस 2x इंटू लॉग बेस एक्स 16, आप 16 को ले सकते हैं 2 की पावर 4, राइट। अच्छा एक और प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास लॉग ए बी होगा मतलब लॉग बेस ए और बी, तो ये होगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, तो ये हो गया लॉग एक्स अपॉन लॉग 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग 2 इंटू टू फोर लॉग टू अपॉन लॉग एक्स,
राइट, लॉग टू से लॉग टू भी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया लॉग एक्स अपॉन लॉग थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा लॉग एक्स अपॉन लॉग थ्री इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर रूट कितना हो गया, टू। राइट, सो ये हो गया लॉग एक्स इज इक्वल टू टू लॉग थ्री, टू लॉग थ्री को ले सकते हैं लॉग थ्री का स्क्वायर मतलब लॉग नाइन, लॉग से लॉग हटेगा तो ये हो गया एक्स इक्वल टू आपका नाइन, तो आंसर आ गया एक्स इक्वल टू नाइन। राइट, चलिए नेक्स्ट सवाल लॉग की प्रॉपर्टी पे, आपके क्वेश्चन बेस पे है कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है फाइव लॉग बेस 10 एक्स प्लस वन प्लस लॉग 10 फाइव इज इक्वल टू थ्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए सेम बेस पे है तो इस वजह से हो जाएगा लॉग बेस 10 एक्स प्लस वन इंटू फाइव इज इक्वल टू थ्री, तो ये हो गया फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 10 की पावर थ्री, 1000 हो गया, तो आपके पास फाइव एक्स बराबर 995 हो गया, और एक्स हो गया 5 × 5, 5 × 9 = 45, और फिर 45, 5 × 9 = 45, सो आंसर आ गया 1, 9 और 9। राइट, चलिए अगला सवाल आपके पास है, अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन लॉग अंडर रूट अल्फा बीटा इंटू एच अपॉन लॉग अंडर रूट अल्फा बीटा गामा एच, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपके पास, अगर आपके पास ध्यान सुनिएगा, लॉग ए बी है तो वो होगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, सो ये हो गया लॉग एच अपॉन लॉग, आपको पता है ये जो पावर होती है ये वन अपॉन बन जाती है, तो हम ले सकते हैं इसे वन अपॉन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग रूट अल्फा बीटा, ले सकते हैं पहले लिख लीजिए लॉग रूट अल्फा बीटा इंटू लॉग एच अपॉन लॉग अंडर रूट अल्फा बीटा गामा। अब देखिए ये पावर है तो ये पावर आगे जाएगी तो ये हो जाएगी टू, ये पावर आगे हट जाएगी तो ये हो जाएगी टू, टू से टू कैंसिल, लॉग एच से लॉग एच कैंसिल, तो ये हो गया लॉग अल्फा बीटा गामा अपॉन लॉग अल्फा बीटा, तो ये हो गया लॉग अल्फा बीटा गामा, ये आपका आंसर आ गया। राइट, चलिए ठीक है जी, अब देखिए अगला सवाल आपके पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन क्या है, वन अपॉन लॉग बेस एक्स लॉग बेस टू एक्स प्लस वन अपॉन लॉग बेस टू थ्री एक्स, फिर प्लस वन अपॉन लॉग बेस फोर एक्स, और ये चलता रहेगा वन अपॉन लॉग बेस 2002 एक्स इज इक्वल टू वैल्यू पूछी हुई। तो देखिए हम इसे उल्टा कर लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस एक्स टू प्लस लॉग बेस एक्स थ्री प्लस लॉग बेस एक्स फोर और लॉग बेस एक्स 2002, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग बेस एक्स कॉमन हो जाएगा, इसे हम ले सकते हैं 2 × 3 × 4 और कब तक चलेगा 2002 तक। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, इसको हम ले सकते हैं लॉग बेस एक्स, इसे हम ले सकते हैं 2002 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि एक्स की वैल्यू 2002 फैक्टोरियल दे रखी थी, तो इसे हम ले सकते हैं लॉग 2002 फैक्टोरियल इंटू 2002 फैक्टोरियल। अब देखिए अगर आपके पास सेम बेस है और सेम चीज़ है तो वो वन होता है, तो आपका आंसर कितना आ गया, वन, तो ये वन आंसर हो गया। तो बच्चों हम कर रहे थे लॉगरिथम के क्वेश्चन, और लॉगरिथम का अगला सवाल जो आपके पास है, लॉगरिथम का अगला सवाल जो आपके पास है वो ये है कि आपके पास ई की पावर लॉग बेस 10 टेन 1 डिग्री प्लस लॉग बेस 10 टेन 2 डिग्री प्लस लॉग बेस 10 टेन 3 डिग्री और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 टेन 89 डिग्री। अब देखें करेंगे हम लोग ई की पावर लॉग बेस 10, ये हो जाएगा सारे मल्टीप्लाई 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री और ये हो जाएगा 10 89 डिग्री।
आपको पता होना चाहिए इसका जो प्रोडक्ट होता है वन होता है, तो ई की पावर कितना हो गया, लॉग बेस टेन वन हो गया, ई की पावर कितना हो गया, लॉग वन कितना होता है जीरो, तो आंसर कितना हो गया वन, राइट right? ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल आपके पास है वन अपॉन लॉग ए बी सी प्लस वन प्लस वन अपॉन लॉग बी ए सी प्लस वन प्लस वन अपॉन लॉग सी ए बी प्लस वन, ठीक है। अब आपको बताना है, तो ध्यान सुनिएगा, हम इसे ले सकते हैं वन अपॉन लॉग ए बी सी प्लस, इसे हम ले सकते हैं लॉग ए ए प्लस वन अपॉन लॉग बी ए सी प्लस लॉग बी बी प्लस वन अपॉन लॉग सी ए बी प्लस लॉग सी सी। अभी आपका सेम बेस है, तो इसे हम ले सकते हैं वन अपॉन लॉग ए ए बी सी प्लस वन अपॉन लॉग बी ए बी सी प्लस वन अपॉन लॉग सी ए बी सी। अब इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ए बी सी ए प्लस लॉग ए बी सी बी प्लस लॉग ए बी सी सी, लॉग ए बी सी, और ये हो गया ए बी सी, आंसर आ गया वन, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल आपके पास है, ध्यान सुनिएगा, अगला सवाल आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास क्वेश्चन अगला है लॉग बेस टेन नाइन 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 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया, थ्री है। तो बोल रहा है आपके पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, पहला ऑप्शन आपके पास है जीरो, दूसरा ऑप्शन आपके पास वन, तीसरा ऑप्शन है टू, और चौथा ऑप्शन है वन एंड टू। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया लॉग, इसको हम ले सकते हैं नाइन नाइन नाइन, इसको हम ले सकते हैं नाइन 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 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ले सकते हैं टेन की पावर थ्री। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हजार माइनस 999 कितना हो गया वन, अब स्क्वायर कर लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री कितना हो गया वन हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो हो गया। अब टू कैसे फैक्टर करो, जोड़ने पर कितना है तीन है, तो माइनस टू कॉमन माइनस वन हो गया, पहले वाले से डिवाइड साइन चेंज, तो आंसर आ गया एक्स की वैल्यू कितनी हो गई टू आ गई, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मैनी डिजिट्स इन टू की पावर 98, ठीक है, अगर लॉग बेस 102 बराबर 0.3010। अब देखो आप क्या करोगे, देखो मैंने बताया था आपको, पहले आप लॉग ले लोगे, तो इसे आप ले सकते हो 98 लॉग टू ले सकते हो, तो ये हो गया 98 इंटू 0.3010, ठीक है। तो जैसे आप 98 इंटू 0.3010 करेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा, तो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होगी उसमें एक आप जोड़ लेंगे, जो भी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी उसमें आप एक जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पॉइंट से एक वैल्यू आपके पास आएगा, जैसे इसका आंसर आएगा 29.50094 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास है, जो आपके डिजिट्स होंगी वो आ जाएंगी 29 + 1 = 30, तो 30 डिजिट्स हो जाएंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हम करेंगे, तो नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि आपके पास, ध्यान सुनिएगा, ये कह रहा है कि log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, log 2 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 0.3010, log 3 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.4771, तो आपको पूछा हुआ 7 log
16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 तो ये हो गया 7 log। ठीक है, आप देखो 16 को ले सकते हो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 तो ये हो गया 4, 2 की पावर 4 तो 4 log 2 हो गया। ठीक है, और आपके पास log 15 है तो log 15 ले सकते हो माइनस 5 into 2, तो 5 into 2 का मतलब log 5 माइनस log 2, राइट। चलो अभी सब 10 बेस में है, सब किस बेस में है, 10 बेस में है। फिर 5 log 20 है, तो 5 square तो ये हो गया 5 square मतलब 2 log 5 माइनस log 3 into 8, तो log 3 माइनस log 8 मतलब 2 की पावर 3, 3 log 2 प्लस 3 log 81 हो जाएगा, 3 की पावर 3 तो 3 log 3 माइनस log 80 को ले सकते हो log 10 into 8 तो 3 log 2 माइनस log 10। ठीक है, अब ये आपका जो है होमवर्क है। अब ये log 5 है, इसे हम लिख सकते हैं 10/2, तो log 10 माइनस log 2 लिख देंगे। ठीक है, log 10 माइनस log 2 लिख देंगे। अब आपका होमवर्क है, सारी वैल्यू आप लोग जो है एज्यूम करना, सिंप्लीफाई करना, और जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आपको पोस्ट करना है। ठीक है, इसको आप जो है कमेंट पे पोस्ट करिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलो इस तरीके से आपके पास ये सवाल करना था। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि log रूट बी ए log सी की पावर 1/3 बी। ठीक है, और फिर क्या रखा है, log ए 1/4, ऑप्शन ए आ गया 12, ऑप्शन बी आ गया 24, ऑप्शन सी आ गया 1/12 और ऑप्शन डी आ गया 1/24। ठीक है जी, आप ध्यान सुनिएगा। ये आपको पता है इसकी जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल में आती है, तो इसे हम ले सकते हैं 2 log a ले सकते हैं, 2 log b a, तो log a अपॉन log b, राइट। अच्छा, इनटू अभी समझ जाते हैं log b अपॉन log c की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 3 log c। ठीक है, इनटू log a की पावर 1/4 था, और थोड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने जो है देखना है log a की पावर 1/4। ये क्वेश्चन में बड़ा क्या 20 ए की पावर 1/4 सी था ये। ठीक है, ये log a की पावर 1/3 मिसप्रिंट था किताब में, तो ये हो गया आपका log a की पावर 1/4 है, तो इसे हम ले सकते हैं log c अपॉन ये 1/4 पावर रिसिप्रोकल जाएगी, तो 4 log अपॉन log a ले सकते हैं। आपको पता है log c से log c हटेगा, log 4 से log log a से log a हटेगा और log b से log b हटेगा, तो 2 3 6 4 24 आंसर आ गया 24। तो ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन ए है 9/2, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 27। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालेंगे, तो log x कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इनटू इसे हम ले सकते हैं log 2x, बेस 3 है तो इसे हम ले सकते हैं log 2x by log 3 ले सकते हैं, इनटू इसे हम ले सकते हैं log y अपॉन log 2x। ठीक है, इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 2 log xx, तो यानी कि 1 हो गया, ये पावर आ गया जाएगी,
राइट, और लॉग एक्स एक्स क्या होता है, वन होता है, तो लॉग टू एक्स से लॉग टू एक्स कट गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लॉग वाई इज इक्वल टू टू लॉग थ्री, तो ये हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग थ्री स्क्वायर, तो वाई आंसर आ गया 9, तो वाई का आंसर आ गया 9, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ठीक है, लॉग बेस 5 रूट 5 इंटू 5। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है आपके पास 2। तो ये एनडी 2007 का क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, आप ले सकते हैं इसे लॉग 5, अब 5 रूट 5 को ले सकते हैं, देखो एक्स रूट एक्स को ले सकते हैं, ये पावर 1 है 1/2, तो एक्स की पावर कितना हो गया 1+1/2 3/2 हो गया, तो 5 की पावर 3/2, ठीक है। इसे हम ले सकते हैं लॉग 5 की पावर 3/2 इंटू 5। पावर जो होती है, बेस की जो पावर होती है वो उल्टी जाती है और सामने वाले की एज इट इज जाती है, तो इसकी उल्टी होगी 2/3 लॉग 5 5, तो आंसर आ गया 2/3 आपका आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द लॉगरिथम, आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिक्स सीरीज को, आप बने रहिए और कोई भी चीज़ आपके प्रॉब्लम होती है वो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।